जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पे। जैसा कि हम लोग अपना लेखपाल का वैच लेके चल रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग ग्रामीण परिवेश से शुरुआत किए हैं और इसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी क्लासें होंगी वो जो होंगी मंडे टू फ्राइडे होंगी, ठीक है, सोमवार से शुक्रवार तक होंगी, ठीक है, जिसमें से मैं सोमवार, मंगलवार और बुधवार को आपको पढ़ाऊंगा ग्रामीण परिवेश। ठीक है, मैं आपको इसमें क्या पढ़ाऊंगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को क्या पढ़ाऊंगा, ग्रामीण परिवेश पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद जो है बृहस्पतिवार और शुक्रवार को, ठीक है, बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर, ठीक है, जो लेखपाल के पेपर में आने के लिए काफी संभावित होंगे, ऐसे पेपर, ऐसे क्वेश्चंस को, यानी कि हम लोग यूपी के करंट और इससे संबंधित करंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और एक करंट की क्लास जो है आपको पर डे मिला करेगी, ठीक है, वो क्वेश्चंस वाइज होगी और यहाँ पे हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे इन दोनों क्लास में, ठीक है। और कोशिश हम ये करेंगे कि हमारी कोशिश ये होगी कि जो शनिवार और रविवार बचा है इसमें हम लोग क्वेश्चन सेशन को लेके आएंगे और क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखा करें, मैं लास्ट में क्वेश्चंस भी कराता हूँ, ठीक है। अभी मैं 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करा रहा हूँ और आगे चल के हम लोग थोड़ा और भी क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, 10 15 20 करेंगे, ठीक है। पहले लेक्चर पढ़ेंगे फिर उसके बाद उसी से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम लोग राजस्व बोर्ड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, रेवेन्यू काउंसिल के बारे में पढ़ रहे थे, और इसमें हम लोगों ने देखा था कि राजस्व बोर्ड या राजस्व काउंसिल या राजस्व परिषद, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि ये लगभग 1947 से 1948 के बीच में इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक आपका बन गया था, ठीक है, एक आपका बन गया था प्रशासनिक, नहीं, और दूसरा बन गया था आपका न्यायिक, ठीक है, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक जुडिशरी, ठीक है, दोनों बने थे। और मैंने देखा था आप लोगों के साथ कि जो प्रशासनिक का हेडक्वार्टर है, जो इसका हेडक्वार्टर है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे बना दिया गया, लखनऊ, ठीक है, और न्यायिक का जो है, जो राजस्व बोर्ड, राजस्व काउंसिल की, राजस्व काउंसिल की, ठीक है, जो हेड ऑफिस है, यानी कि कहां पे है, प्रयाग राज में, ठीक है, प्रयागराज या फिर कह सकते हैं इलाहाबाद में, उसे वहां पे छोड़ा गया था। फिर हमने इनके कार्यों को देखा था, इसके केवल 3 कार्य और इसके कार्यों के बारे में देखा था। आज हम लोगों को क्या देखना है, राजस्व परिषद की ढांचे के बारे में, ठीक है। देखिए, तो इसमें जो होता है इसका ढांचा, देखिए, एक तो आपको अभी मैंने बताया प्रशासनिक, और एक आपका क्या होता है, न्यायिक, ठीक है, एक प्रशासनिक और एक न्यायिक। अब देखिए, जैसे हम लोग जब संविधान पढ़ते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, आर्टिकल्स होते हैं और क्या होती हैं, अनुसूचियां होती हैं, ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी हम लोगों को पढ़ना है चीजों को, ठीक है। अब देखिए, जो आपकी प्रशासनिक है, ठीक है, जो आपका प्रशासनिक है, ठीक है, इसमें आपके कितने अनुभाग होते हैं, ठीक है, तो ठीक है, इसमें आपके कितने अनुभाग होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, सेक्शन, ठीक है, सेक्शन कह सकते हैं। तो इसमें जो अनुभाग होते हैं इनकी संख्या कितनी है, तो इसमें कुल अनुभागों की संख्या कितनी है, 19, ठीक है, इसमें 19 अनुभाग होते हैं, या आप इसी को क्या कह सकते हैं, सेक्शन, ठीक है, इसी को आप क्या कह सकते हैं, सेक्शन। अब देखिए, और इसमें क्या होता है, ठीक है, ये आपका आर्टिकल समझ लीजिए, और इसमें और क्या होता है, प्रकोष्ठ,
ठीक है, प्रकोष्ठ, प्रशासनिक, प्रशासनिक में प्रकोष्ठ भी है, कितने प्रकोष्ठ हैं, तो 14 है। हम लोग इनके बारे में, ये अनुभाग कितने हैं, 19 पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकोष्ठ कितने हैं, 14, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अब देखिए न्यायिक की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, ठीक है, ज्यूडिशरी की बात करें, न्यायिक की बात करें, तो इसमें कितने अनुभाग है, तो इसमें केवल और केवल 2 अनुभाग है, ठीक है, इसमें केवल और केवल कितने अनुभाग है, 2 अनुभाग है। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक अनुभाग को करके, एक एक अनुभाग को करके यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है, यहां पे एक एक अनुभाग को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं, प्रशासनिक शुरू करते हैं, तो आप लोग इसे लिखा करिए, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक भी करा करिए और कमेंट करके अपना रिव्यू भी दिया करिए कि सर वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, और शेयर भी करना तो एकदम ना भूला करिएगा, ठीक है, जिसके मतलब क्या करते हैं कि आप अधिक से अधिक शेयर करिए, जिसको इसकी जरूरत होगी वो तो पढ़ लेगा, और जिसको इसको इसकी जरूरत नहीं होगी इसके पास तक मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना एकदम ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो लेखपाल का कोर्स है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कराया जाएगा, ठीक है, आपके पेपर से पहले। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, बात करने से पहले मैं आपको यहां से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछता हूं, आप कमेंट करके उसका आंसर बताइए, ठीक है, जो कि हम लोग पिछली वीडियो में भी पढ़े थे, तो आप बताइए राजस्व परिषद के हेड कौन है, ठीक है, राजस्व परिषद के हेड कौन है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वाले क्लास में बताया था कि राजस्व परिषद की हेड कौन है, आप कमेंट में इसका आंसर बताइए। और आप इस समय बताइए कि यूपी के राजस्व मंत्री कौन है, यूपी के राजस्व मंत्री कौन है, ठीक है। अब देखिए अब यहां पे मैं आपको सबसे पहला अनुभाग, ठीक है, अनुभाग एक, अब देखिए अनुभाग एक में किस चीज की जानकारी दी गई है, ठीक है, अनुभाग एक में किस चीज की जानकारी दी गई है इसके बारे में जानते हैं, तो अनुभाग एक में दिया गया है, अनुभाग एक में दिया गया है क्या, जमींदारी उन्मूलन, ठीक है, क्या दिया गया है, जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी का उन्मूलन के बारे में यहां पे बताया गया है, ठीक है। यहां पे हम लोगों को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, जब आप लेखपाल बन जाएंगे तो ये सारी चीजें वहां पे आपको आपके ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, बस हमें यहां इतना पढ़ना है कि जिससे हमारा पेपर निकल जाए, ठीक है। अधिक जमींदारी का उन्मूलन, अधिक यहां पे क्या है, क्या होता है जमींदारी आप जानते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या होता था कि जब अंग्रेज अपने देश में शासन कर रहे होते थे तो क्या करते थे, ये किसी एक व्यक्ति को सेलेक्ट करते थे और उसको ढेर सारी जमीन दे देते थे और उसमें किसानों के द्वारा फसल उगाकर उससे क्या लेते थे, टैक्स लेते थे, ठीक है। तो इसी जमींदारी का उन्मूलन किसमें किया गया है, अनुभाग एक में किया गया है, ठीक है, अनुभाग एक में किया गया है। अब अगर हम लोग बात करें दूसरे अनुभाग की, यानी कि राजस्व अनुभाग 2, ठीक है, राजस्व अनुभाग 2, देखिए राजस्व अनुभाग 2 की अगर हम लोग बात करें तो राजस्व अनुभाग 2 में क्या क्या काम है, ठीक है, किसके किसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो जो बाजार होती है, ठीक है, जो लोकल बाजार आप देखते होंगे कि जो लोकल बाजार लगती है या जो मेले लगते हैं, ठीक है, उससे अर्जित होने वाले आय की, आय और व्यय के कार्यों के बारे में बताया गया है, ठीक है, किसके किसके बारे में, जैसे बाजार जो लगता है, जैसे आप लोकल बाजार देखते हैं या कहीं पे आप जैसे देखते हैं कि एक मंडी लगी है, ठीक है, मंडी जो होती है या फिर कह सकते हैं जो मेले लगते हैं, ठीक है, उसके जो आय व्यय होते हैं, उसका जो लेखा जोखा होता है, ठीक है, उसके कार्यों के बारे में यहां पर बताया गया है, किसके किसके बारे में, आप कह सकते हैं बाजार, ठीक है, मेले, ठीक है, मेलों से अर्जित, ठीक है, मेलों से अर्जित होने वाले आय व्यय, ठीक है, आय व्यय के कार्यों के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है, कि कार्यों के बारे में इसमें बताया गया है। आप इस चीज को एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कह दिया जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा, बाजार,
मेलों से अर्जित होने वाले आय व्यय के बारे में किस अनुभाग में उल्लेखित है? तो आपको आंसर क्या लगाना होगा कि अनुभाग दो, ठीक है, सेक्शन टू। अब इसमें और भी होता है, क्या होता है, जो वृक्षारोपण होता है, ठीक है, क्या होता है, वृक्षारोपण जो होता है, या फिर जो आप देखते होंगे सड़क के किनारे जो पोल लगे होते हैं, ठीक है, जो बिजली विभाग क्या करता है, जब खंभा लगाता है तो उसका भी टैक्स बिजली विभाग को, राजस्व विभाग को देना होता है। तो इन सभी चीजों का विवरण किसमें दिया गया है? तो आपके अनुभाग दो में दिया गया है, ठीक है, सेक्शन टू में दिया गया है, ठीक है, वृक्षारोपण, ठीक है, बिजली के खंभे, ठीक है, बिजली के, इन सभी से होने वाले आय व्यय का जो लेखा जोखा है वो किस अनुभाग में दिया गया है? तो अनुभाग दो में दिया गया है, ठीक है, अनुभाग दो में दिया गया है। अब चलिए देखते हैं तीसरे के बारे में, ठीक है, तीसरा आपका क्या है? तो तीसरा आपका है राजस्व अनुभाग तीन, ठीक है। तो राजस्व अनुभाग तीन में कुछ ऐसा नहीं दिया गया है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, तो यहां पे राजस्व अनुभाग तीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं चौथा, ठीक है, चौथे अनुभाग की बात करते हैं, तो राजस्व अनुभाग चार, ठीक है, राजस्व अनुभाग चार की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजस्व अनुभाग चार में क्या क्या दिया गया है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और फिर हम लोग चौथे के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारा क्या है चौथा क्या है, राजस्व अनुभाग, राजस्व अनुभाग चार, ठीक है, राजस्व अनुभाग चार। देखिए अब राजस्व अनुभाग चार में क्या दिया गया है, ठीक है, तो राजस्व अनुभाग चार में क्या दिया गया है, तो सबसे पहली चीज तो लेख, ठीक है, लेखपाल जो आप बनने जा रहे हैं, ठीक है, लेखपाल की ट्रेनिंग, ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग को हिंदी में, ठीक है, प्रशिक्षण, ठीक है, क्या कहते हैं, सबसे पहला क्या दिया गया है तो लेखपाल के प्रशिक्षण के बारे में दिया गया, ठीक है, सबसे पहले क्या है, लेखपाल के प्रशिक्षण के बारे में, और दूसरा चीज अगर हम देखना चाहें तो लेखपाल के, ठीक है, लेखपाल के कार्यों का ब्यौरा, ठीक है, लेखपाल के कार्यों की ब्यौरा के बारे में भी यहां पे आपको बताया गया है, ठीक है, लेखपाल के कार्यों की ब्यौरा के बारे में बताया गया। अब देखिए प्रशिक्षण की अगर हम लोग बात करें तो यहां से मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो लेखपाल का प्रशिक्षण जो भारत में सबसे पुराना भू प्रशिक्षण केंद्र है जो कि यूपी में है, ठीक है, भारत का सबसे पुराना भू प्रशिक्षण केंद्र जो कि यूपी में है कहां पर है, उसका नाम क्या है, ठीक है, कहां पर है उसका नाम क्या है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। फिर से एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, क्वेश्चन क्या है आपका, तो क्वेश्चन है, ठीक है, भारत का सबसे पुराना भू प्रशिक्षण केंद्र जो कि यूपी में है और यूपी का एकमात्र भू प्रशिक्षण केंद्र है ये, ठीक है, ये कहां पर है और इसका नाम क्या है, ठीक है, यहां पे लेखपालों को या आईएएस पीसीएस जो होते हैं, ठीक है, उनको भू प्रशिक्षण जो दिया जाता है, ठीक है, वो यहीं पर दिया जाता है, तो ये कहां पर है आप इसके बारे में जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए, मैं 2 मिनट के बाद आपको इसका आंसर देता हूं, तब तक आप लोग क्या करिए इसका कमेंट करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या किया गया है, आपके चौथे अनुभाग में दिया गया है सरकार के भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना, ठीक है, क्या, सरकार के
भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना। ठीक है, अब देखिए सरकार के भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जो भी जितने भी अभिलेख हैं, मतलब जितने भी डाटा हैं, उन सभी डाटा को क्या करना है, इंटरनेट यानी कि कंप्यूटर पे फीड करना। ठीक है, डिजिटलाइजेशन करना। ठीक है, इनका डिजिटलाइजेशन करना। ठीक है, और लेखपाल के कार्यों का जो भी चीजें हुई हैं, जितनी भी रेवेन्यू इनको प्राप्त हुआ है, उसे उसे किस इस उसकी सूचना किसे देना, तो उसकी सूचना वित्त आयोग को देना। ठीक है, उसकी सूचना किसको देना, तो उसकी सूचना वित्त आयोग को देना। ठीक है, उसकी सूचना किसे देना, तो उसकी सूचना वित्त आयोग को देना। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन आपका, मैं फिर से अब आपका इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं। इसके पहले भी मैंने दो क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, इसके पहले भी मैंने दो क्वेश्चन पूछे थे। क्या था दो क्वेश्चन, क्या थे? तो सबसे पहला क्या था, राजस्व परिषद के हेड कौन है? तो राजस्व परिषद के जो हेड है वो कौन है, दीपक त्रिवेदी। ठीक है, कौन है, दीपक त्रिवेदी। और मैंने बताया, मैंने पूछा कि यूपी के राजस्व मंत्री कौन है। ठीक है, तो जो राजस्व मंत्रालय है वो स्वयं आपके यूपी के, ठीक है, जो सीएम है उनके ही हाथ में, यानी कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में क्या है, राजस्व मंत्री, सॉरी राजस्व मंत्रालय है। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन मिला क्या था, प्रशिक्षण। ठीक है, जो भू प्रशिक्षण केंद्र है यूपी का एकमात्र, ठीक है, यूपी का एकमात्र भू प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, एकमात्र जो कि सबसे पहला है, जो कि सबसे पहला है, एक भू प्रशिक्षण केंद्र है, तो कहां पर है, तो उसका नाम क्या है, आप जल्दी से बताएं। ठीक है, तो उसका नाम है राजा टोडर मल। ठीक है, राजा टोडर मल भू प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, सभी पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है, भू प्रशिक्षण केंद्र जो कि सबसे पुराना है, यूपी का एकमात्र है, उसका नाम क्या है, राजा टोडरमल भू प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, भू प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, तो हरदोई में। ठीक है, कहां पे है, तो हरदोई में है। ठीक है, कहां पर है, हरदोई में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अनुभाग की बात करते हैं, अनुभाग पांच, राजस्व अनुभाग पांच। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके और वो जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनको फायदा मिल सके। ठीक है, और यहां पे आप इन सभी का जो नोट्स है, ठीक है, इन सभी का जो नोट्स है जो कि मेरे हैंड राइटिंग में, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, नाम ज्ञान दायनी क्लासेस, ठीक है, ज्ञान दायनी क्लासेस टेलीग्राम चैनल से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर कल तक अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अब आगे हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आप लोग उम्मीद है इसे आप नोट कर लिए होंगे। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, अनुभाग पांच। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कौन सा है, तो अनुभाग पांच। अब देखिए अनुभाग पांच जो है, ठीक है, अब अनुभाग पांच जो है इसमें क्या दिया गया है, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, अब देखिए इसमें दिया गया है कि जिला जिला तहसील गांव, ठीक है, गांव लिखना था, गांव लिखना, ठीक है, क्या 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 भाई, जिला तहसील गांव, ठीक है, कि सीमा के विवाद का निपटारा, ठीक है, सीमा के विवाद का निपटारा,
सीमा के विवाद का निपटारा ठीक है। क्या है सीमा, जिला, तहसील, ग्राम ठीक है, ग्राम इनकी सीमा के विवाद का निपटारा करना किस अनुभाग में है, तो अनुभाग पांच में है ठीक है। अब देखिए क्या कैसे, यहां पे ध्यान से देखिए कैसे ठीक है। जैसे मतलब मैं आप कह दूं कि एक गांव ए है और एक गांव बी है ठीक है, ए और बी, अब इन दोनों में क्या हो गया, अपनी अपनी बाउंड्री को लेकर अपनी अपनी भाव अपनी अपनी सीमाओं को लेकर क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो अब इसी के, अब देखिए इसी के विवाद का जो निपटारा करेगा वो किस अनुभाग के द्वारा किया जाएगा, तो अनुभाग पांच में है ठीक है। यहां पे गांव, जिला, तहसील की बात हो रही है, खेतों की बात नहीं हो रही है ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर खेतों की बात नहीं हो रही है ठीक है, ये वाली बात आपको याद होना चाहिए ठीक है। अब देखिए इसमें जो दूसरा पॉइंट है क्या है, राजस्व अनुभाग पांच में यानी कि रेवेन्यू सेक्शन फाइव में जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, तो जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है ठीक है, नक्शे में अंकित करने के लिए क्या है, नक्शे में अंकित करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करना ठीक है, नक्शे में अंकित करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करना ठीक है। तो ये दो काम किसमें आते हैं, तो ये दो काम आते हैं अनुभाग पांच में ठीक है, ये दो काम किसमें आते हैं, तो ये दो काम आते हैं अनुभाग पांच में आते हैं ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पढ़ाई की चीजें, अभी तक की जो पढ़ाई की चीजें वो समझ में आई होंगी ठीक है। आपको इससे जो भी डाउट है उसे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं ठीक है, और मैं उसका सोल्यूशन ठीक है, उन सभी डाउट का सोल्यूशन अगली क्लास में दे देंगे ठीक है, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग यहां पे एक अनुभाग के बारे में और पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे आज के क्वेश्चन ठीक है,